आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट चैप्टर नंबर फोर्टीन यू आर ओल्ड फादर विलियम ठीक है इसे लिखा है लेविस कैरोल ने ठीक है ना इस चैप्टर ये एक पोएम स्टूडेंट ठीक है देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग ठीक है ना एक, -एक लाइन का मैं हिंदी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ठीक है

पैरोडी कॉमेडी से भरी हुई ठीक है ना तो एक पैरोडी है एक पोएम इन विच जहाँ पर स्टूडेंट जो राइटर है वो क्या कर रहे हैं ह्यूमरियसली ह्यूमरसली मतलब बड़े मजाक मजाक में डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब बता रहे हैं समझा रहे हैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या बता रहे हैं द जनरेशन गेप जनरेशन गेप क्या होता है स्टूडेंट कि आपके जो पेरेंट्स हैं है ना और आप लोग हैं तो बच्चे और माता पिता की सोच में है ना उनके स्वभाव में नज़रिए में है ना सोचने के तरीके में कुछ डिफरेंस होता है स्टूडेंट सही है पुराने लोग पुराने तरीके से सोचते हैं आजकल के जमाने के लोग आजकल के हिसाब से सोचते हैं तो उनकी सोच में जो गैप है उसी को बोला है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में जो गैप है इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप सही बात है तो जनरेशन गैप को डिस्क्राइब करना है कि बेटा क्या सोच रहा है फादर क्या सोच रहे हैं बेटा कुछ सवाल कर रहा है फादर कुछ कह रहे हैं ये सब कन्वर्सेशन है बिटवीन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है है ना उनके बीच में और किसके बीच में यहाँ पर बातें हो रही है एंड हिज सुपर सीलियस मतलब प्राउड जो घमंडी टाइप का एरोगेंट है जो जिद्दी है पोम्पस है मतलब जो खुद को इम्पोर्टेंस देता हो एंड हॉटी हॉटी का मतलब भी जिद्दी होता है हॉटी सन है वो और उनके जो पिताजी है एक्सपीरियंस पर्सन उनके बीच में है ना जो मजाक मजाक में जो कुछ बातचीत हो रही है उसको डिस्क्राइब किया गया इन दिस पोएम इस पोएम में द सन इज वेरी एज ऑब्सेस्ड बिकॉज ये जो सन है ना ये जो सन है वो क्या है बहुत ज़्यादा एज ऑपसेस्ड है मतलब एज को लेकर बड़े सवाल पूछते रहता है इसकी उम्र ऐसी मेरी उम्र ऐसी उम्र के बारे में बहुत सोचते रहता है ऑप्शस का मतलब जुनून है एज को लेकर के बिकॉज ही कीप्स रिमाइंडिंग हिज फादर क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है वो ही कीप्स रिमाइंडिंग वो बार बार याद दिलाते रह रहा है इस फादर अपने फादर को हाउ ओल्ड ही इज कि वो जो है उस सन उसके फादर कितने ओल्ड हैं कितने एज हो गई उनकी बार बार उन्हें याद दिलाते रह रहा है है ना क्योंकि एज ऑफसेस्ड है एज को लेकर के बहुत ज्यादा सोचता है वो डू यू गेट अलॉन्ग विद वेल विद पीपल ओल्डर देन यू गेट अलोंग विद का मतलब होता है फ्रेंडली क्या आप फ्रेंडली हो पाते हैं उन लोगों से ओल्डर देन यू जो आपसे उम्र में काफी बड़े हैं हाउ अबाउट दोज हु आर टू ओल्ड लाइक योर ग्रैंड फादर और योर ग्रैंड मदर और उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है क्या आप उनके साथ फ्रेंडली हो पाते हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्ड है जो आपके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर की उम्र की है, है ना क्या उनके साथ आप फ्रेंडली हो पाते हैं उनके साथ कुछ आपका तालमेल बन पाता है ये ऐसा यहाँ पर पूछा है ठीक है तो अब हम सीधे पोएम को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ठीक है तो जो बाजू में कुछ इमेजेस दी हुई है उसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा ये सन है स्टूडेंट है ना ये सन है और ये फादर से कुछ सवाल पूछते जा रहा है और यही पूरी कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई गई है ठीक है स्टूडेंट तो मैं अब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल अच्छे से इस पोयम को हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ओके स्टूडेंट तो देख लो यू आर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सेट जो यंग मैन है वो क्या कह रहा है कि तुम क्या हो वो जो सन है उसी को बोला द यंग मैन सैड यू आर ओल्ड फादर विलियम तुम अब वृद्ध हो गए हो बूढ़े हो गए फादर विलियम है ना एंड योर हेअर और तुम्हारे जो बाल है ना हेज़ बिकम वेरी वाइट वो भी सफ़ेद हो चुके हैं ठीक है ना एंड येट और फिर भी यू इंसिसेंटली स्टैंड इंसिसेंटली मतलब कंटिन्यूसली लगातार स्टैंड ऑन योर हैड अपने सिर के बल पर खड़े रह जाते हो कंटिन्यूसली डू यू थिंक एट योर एज इज़ इट राइट डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है एट योर एज तुम्हारी उम्र में इट इज़ राइट ये सब ठीक है ऐसा हो सन आ, बोल रहा है फादर से इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड अब जो फादर विलियम है वो रिप्लाई दे रहे हैं बोल रहे हैं इन माई यूथ मतलब मेरे ज़माने में है ना रिप्लाई टू हि सन अपने सन को जवाब दे रहे हैं इन माई यूथ मेरे समय में आई फियर्ड मतलब मेरे जमाने के टाइम में आई फियर्ड इट माइट इंजर्ड द ब्रेन मुझे डर लगता था कि ये जो एक्सरसाइज है नीचे सर कर देना ऊपर पैर के देना ये हो सकता है कि मेरे ब्रेन को इंजर्ड कर दे नुकसान पहुंचा दे इस बात को लेकर मेरे अंदर डर था ऐसा हो समझा रहे हैं फादर विलियम बट नाव देट आई एम परफेक्टली स्योर आई हैव नन लेकिन अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई हैव नन है ना वह इसीलिए आई डू इट अगेन एंड अगेन इसलिए मैं ये चीज़ बार बार करता हूँ है ना नीचे सिर ऊपर पैर वाली एक्सरसाइज जो मैं बार बार कर लेता हूँ आगे फिर देखो यू आर ओल्ड सेड दूथ सैड द यूथ एज आई मैंसन बिफोर जैसा कि मैंने अभी मैंसन किया आप क्या हो गए बूढ़े हो गए सैड द यूथ यूथ का मतलब जो यंग मैन है उसी को अब यूथ कह दिया ठीक है ना जैसा कि मैंने मैंसन किया आप तो बूढ़े हो गए एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट और आप अनकॉमनली मतलब अजीब काफी मोटी भी हो गए है ना है ग्रोन का मतलब आ गया आपके बॉडी में एक अनकॉमन फैट आ गया अब सामान्य रूप से आप थोड़े से मोटे हो गए फैट आ गया बॉडी में ठीक है ना येट फिर भी यू टर्न अ बैक समर सॉल्ट इन एट द डोर और दरवाजे के पास आप समर सॉल्ट करते हो समर सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा उल्टा उल्टे होना है ना समझ हो ना ऐसे जंप करना उल्टे टाइप से ऐसा कुछ है? उसको बोलते हैं समर सॉल्ट समझ में आ गया हाथों को ऐसा नीचे करते हैं और पैरों से ऐसा गोल घूम के जंप करते हैं उसको बोला है ना तो येट यू टर्न अ बैक समर सॉल्ट मतलब उल्टा ऐसा बैक समर सॉल्ट कर लेते हो दरवाजे के पास है ना प्रे प्रे का मतलब होता है मैं विनती करता हूँ वॉट इज द रीजन ऑफ दैट प्लीज़ मुझे बताइए इसका रीज़न क्या है भाई इस एज में भी आप इतने सब कुछ कर लेते हैं इन माई यूथ सेट द दीज संत लोग जो सेंस जो बड़े महान लोग हैं वो क्या कहते हैं इन माई यूथ एज ही शुक हिज़ ग्रे लॉक्स है ना वो क्या है ग्रे लॉक्स का मतलब ग्रे कलर के जो कपड़े हैं उनको थोड़ा सा हिलाते हुए वो फादर रिप्लाई दे रहे हैं संत लोग कहते हैं कि मेरे एज में जो लोग होते हैं ना आई कैप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल तो मैं मैं क्या करता था यहाँ पर ये यह जो सेट द सेज का मतलब है जो सीनियर लोग है बड़े लोग वो कहते थे क्या कहते थे आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल मैं रखता था ऑल माई लिम्स मतलब मेरे सारे बॉडी पार्ट्स को लिम्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स मैं क्या करता था अपने सारे बॉडी पार्ट्स को क्या रखता था वेरी सपल मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखा करता था बट बाय द यूज ऑफ दिस ऑइंटमेंट कैसे रखता था बाय द यूज ऑफ दिस ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम या तेल की मालिश तेल की मालिश के द्वारा मैं अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता था ठीक है ना वन सीलिंग द बॉक्स अलाउ मी टू सेल यू अ कपल कपल का मतलब होता है दो दो के जो ग्रुप को बोलते हैं है ना तो क्या वन सीलिंग द बॉक्स

एंड योर जाब आर टू वीक और आपके जो जबड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं कमजोर हो गए हैं जॉज मतलब जो दाँतों का सेट होता है जबड़े वो भी बहुत कमजोर हो गए टू वीक काफ़ी वीक हो गए हैं फॉर एनी थिंग टफर दैन शूट शूट का मतलब क्या होता है फैट फैट यानि मांस जो होता है ना तो फॉर एनी थिंग टफर दैन शूट कोई भी चीज़ दो जो क्या हो टफर हो टफ़र का मतलब क्या हो हार्ड हो किस से शूट से फैट से फैट से येट यू फिनिश द गूज उसके बावजूद भी आप क्या कर लेते हो फिनिश कर लेते हो सारी सारी गूज को है ना बतख को खा लेते हो विद द बोन्स एंड द बीक उसकी हड्डियों सहित तो उसकी चोच बीक मतलब चोच सहित तो आप सारी चबा जाते हो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं होती ऐसा वो सन यहां पर कह रहा है ठीक है ना स्टूडेंट आगे देखो क्या है यहां पर देख लेते हैं हाँ फिर यहां पर बोला है प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट प्रे का मतलब होता है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे बताओ कि आप ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर पाते हैं इन माई यूथ सैड हिज फादर उसके फादर जो है विलियम वो क्या कह रहे हैं मेरे ज़माने में आई टुक टू द लॉ आई टुक टू द लॉ मैं एक, आ, एक रूल को मानता हूँ है ना आई टूक टू द लॉ है ना एक रूल है उसको मैं मानता हूँ एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माय वाइफ और मैं हर मामले में क्या करता था मैं मैं इस एक बात को मानता हूँ कि मैं आर्ग करता था मतलब बहस करता था हर एक मामले में अपनी वाइफ से ठीक है पत्नी से एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू माई जॉस और जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है मांसपेशियों में जो ताकत मिली हुई है मेरे जबड़ों की विच इट गेव टू माई जॉ और वो उसी की वजह से मुझे मिली है मेरी वाइफ की वजह से काफी बोलना पड़ता था ना तो थोड़ा सा फनी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश है, की है ना तो हैज लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जो कि बनी रहेगी हैज़ लास्टेड मतलब जो बनी रहेगी रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरी सारी जिंदगी भर ठीक है ना यू आर ओल्ड सैड द यूथ वन वुड हार्डली सपोज दैट योर आइज वॉज एज स्टडी एज एवर एवर है ना सैड द यूथ का मतलब जो नौजवान है जो सन है वो क्या कह रहा है यू आर ओल्ड आप तो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं वन वुड हार्डली सपोज हार्डली सपोज का मतलब ना के बराबर ही कोई वन वुड हार्डली सपोज दैट मतलब कोई ना के बराबर ही विश्वास करेगा कि योर आईज वॉज एज स्टडी एज एवर कि आपकी आइज उतनी ही स्टीडी है स्टीडी है मतलब एकदम अच्छी है ठीक है ना स्टीडी का मतलब क्या है है स्टेबल है स्टेबल है बिल्कुल जैसी थी पहले ही एज एवर जैसे कि पहले थी समझ में आ गया वन वुड हार्डली सपोज का मतलब क्या है कोई शायद ही विश्वास करेगा शायद ही भरोसा करेगा आप इतने बूढ़े हो गए और इस बुढ़ापे की स्थिति में भी शायद ही कोई विश्वास करे कि आपकी आइज जैसी पहले स्टीडी थी स्टेबल थी आज भी वैसी ही बनी हुई है ना येट यू बैलेंस्ड एन इल और तुम क्या कर लेते हो येट और आज भी यू बैलेंस आप बैलेंस कर लेते हो एंड इल मतलब कोई गोली को है ना कोई गोली होती उसे ऑन द एंड ऑफ योर नोज अपने नाक के जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर भी आप किसी गोली को क्या कर लेते हो गन शॉट जो होती गोली उसको बोला इल उसे आप बैलेंस कर लेते हो ठीक है ना वट मेड यू सो ऑफली क्लेवर ऑफिली का मतलब होता है एक्सट्रीमली ऐसी कौन सी चीज जो तुम्हें इतना ज्यादा क्लेवर बनाती है है ना इतना ज्यादा चालाक बनाती है भाई ऑफफुली का मतलब होता है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा क्लेवर ठीक है ना आई हैव आंसर्ड थ्री क्वेश्चन एंड दैट इज इनफ अब जो है फादर विलियम है वो क्या कह रहे हैं आई हैव आंसर्ड थ्री क्वेश्चन मैंने तीन सवालों का जवाब दे दिया है एंड दैट इज इनफ और ये पर्याप्त है सफिसियंट है ठीक है ना सैड हिज फादर उसके फादर कह रहे हैं डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स मतलब अब तुम ज्यादा अपना घमंड मत दिखाओ एयर्स का मतलब होता है घमंड डोंट गिव योर सेल्फ एयर मतलब अब तुम ज़्यादा घमंड मत दिखाओ। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ़ क्या तुम्हें लगता है आई कैन लिसन कि मैं सुन सकता हूँ दिन भर टू सच स्टफ इस टाइप की बकवास ठीक है ना बी ऑफ अब यहाँ से चले जाओ और वरना और का मतलब अन्यथा था आई विल किक यू डाउन स्टेयर्स मैं तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दूँ ऐसा यहाँ पर फादर विल हम लास्ट में कह देते हैं ठीक है स्टूडेंट तो ये पोएम आपको कैसी लगी जो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को ठीक है ना या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर जो भी आपको डाउट है ठीक है ये लिखा गया है लेविस कैरोल के द्वारा ओके थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट